हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट MIS सपोर्ट ऑटोमेशन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैबलू के बारे में। तो मेरे पास टैबलू का यहां पे लाइसेंस वर्जन है, लेकिन आप लोगों के पास ये लाइसेंस वर्जन ना होगा, क्योंकि टैबलू जो है वो आपको 14 दिन की ट्रायल पर मिलता है, या फिर आपको टैबलू पब्लिक लेना पड़ेगा, या फिर आपको टैबलू का स्टूडेंट वर्जन लेना पड़ेगा। स्टूडेंट वर्जन लेने के लिए आपके पास कोई किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी स्कूल का, किसी भी कॉलेज का, रेप्यूटेड कॉलेज स्कूल का आपको होना चाहिए आई कार्ड, तो उससे आप ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से डेटा लिंक कर रहा हूं। मेरे पास एक डेस्कटॉप पे डेटा 1 है, हमने इसको ओपन किया, तो डेटा कनेक्ट हो गया। पर प्रॉब्लम है, इसमें कई सारे शीट्स है, लेकिन मेरा जो डेटा शीट्स है कहाँ पर है, शीट 1 पे है। तो शीट 1 को हमने उठाया और यहाँ पर ड्रैग कर दिया। ड्रैग करते ही उसके अंदर जितने भी डेटा है, सारे डेटा यहाँ पे आ गए। यहाँ पे सारे फील्ड्स आ गए हमारे, और यहाँ पे हमारे डेटा आ गए। यहाँ फील्ड्स देख सकते हैं और डेटा आ गए, यहाँ पे आपका डेटा आ गया। अब मुझे इस डेटा के ऊपर रिपोर्ट्स बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, पावर टैबलू पावर बीआई की तरह नहीं होता है, क्योंकि पावर बीआई में क्या है कि एक ही सीट के ऊपर आप जो है कई तरह के विजुलाइजेशन तैयार कर सकते हैं। पर टैबलू में क्या होता है कि एक सीट पे आपको एक ही विजुलाइजेशन मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे नेम वाइज क्वांटिटी करने से विजुलाइजेशन चाहिए, तो हमने मान लीजिए कि इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब इस तरह से बार में आया, बट कॉलम में चाहिए, तो बोले मैं कॉलम कर देता हूं। तो कॉलम में देखिए यहाँ पे क्या है कि स्टैक है, तो स्टैक बे में आपका चला जाएगा। तो इसको, इसी को हम सिलेक्ट करके यहां से स्विच कर देते हैं। स्विच कर दिया तो देखिए आपके सामने आ गया। अब इसमें मुझे दिखाना है कि किस सिटी में कितनी सेल हुई है, सिटी का भी मुझे यहां पे देना है। तो वो सिटी को उठाइए और मैंने इसको कलर में रख दिया, तो जो जो सिटी में हुआ है उस सिटी का एक कलर आपके सामने आ गया। तो ये आपकी एक विजुलाइजेशन तैयार हो गई। जी हाँ, एक विजुलाइजेशन जो है ये आपका तैयार हो गया। अब राइट क्लिक करके इसमें एक्सप्लेन डेटा और बहुत सारी चीज इस पे है, आप यहां से देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन डेटा में आके देखिए, एक्सप्लेन डेटा आ गया जयपुर अमर, जिसको क्लिक करोगे उसका यहाँ पे रीसिलेक्ट करेंगे तो उसका आ जाएगा। तो एक्सप्लेन डेटा आप यहाँ पे ले सकते हैं। वापस मैंने क्लिक किया, हट गया, यहां से क्लोज कर सकते हैं एक्सप्लेन डेटा। तो एक हमारा बन गया है। उसके बाद इसी पे क्लिक करेंगे दूसरे विजुलाइजेशन के लिए। मुझे यहाँ पे एरिया वाइज क्वांटिटी का टोटल चाहिए, यहाँ शो मी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ विजुलाइजेशन आ जाएगा। तो मुझे इसको जो है थोड़ा सा एक चार्ट में चाहिए। अब ये चार्ट छोटा दिख रहा है बहुत, तो मैंने यहाँ से स्टैंडर्ड के जगह पे क्या किया, हमने इसको एंटायर शीट कर लिया, थोड़ा सा बड़ा दिख गया। अब इसमें हेडिंग भी होता है, जैसे सीट 1 है, अब सीट 1 के जगह पे हम यहाँ लिख सकते हैं सेल्स बाय सेल्स ऑफिसर, तो ऊपर वो लिखा हुआ आएगा। इसमें मैं लिखता हूं सीट 1 में, मैं यहां पर देता हूं सेल्स बाय एरिया, ये आपका आ गया। इसके ऊपर फॉर्मेटिंग्स है, आप फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं, मार्क लेबल और बहुत सारे ट्रेन लाइन, इसमें तो होगा नहीं। और ये चीजें आप यहाँ से बहुत सारे शेड्स होते हैं क्लिक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको स्किप करते हैं, क्योंकि ये चीजें आप डिटेल में जब पढ़ेंगे तब होगा आपके सामने। उसके बाद सिटी वाइज में क्वान्टिटी का मैप चार्ट चाहता हूँ, क्लिक किया मैंने मैप चार्ट पे। और मैप चार्ट के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट होके आता है, इसका ध्यान रखिएगा। और मैप चार्ट में मैंने नेम को रख दिया कलर में, तो कलर के हिसाब से जिस सिटी में जो सेल हुआ उसका कलर के हिसाब से अलग अलग कलर हो गया है। और यहां आप दे दीजिए सेल्स बाय एरिया,
एरिया में सेल्स बाय सिटी अप्लाई एंड ओके। फिर एक और शीट हमने इंसर्ट किया। अब यहाँ पे मैं एक और विजुलाइजेशन चाहता हूँ, मैं इसमें चाहता हूँ हमारा डेट के हिसाब से क्वांटिटी का लाइन हो, तो यहाँ पे हम लाइन साथ में क्लिक किया या क्लिक कर दिया, ये आ गया आपको। अब ये ईयरली आ रहा है तो इस पर क्लिक कीजिए तो आपका क्वार्टरली आ गया, इस पर क्लिक किया आपका मंथली आ जाएगा। तो जिस तरह से दिखना चाहिए उस तरह से आपका ये सेल्स इस तरह से दिखेगा। अब एंड लास्ट मुझे ये तो मैं अलग अलग विजुलाइजेशन तैयार कर लिया, अब मुझे क्या चाहिए इसका डैशबोर्ड तैयार करना है। तो ये जो प्लस प्लस न्यू वर्कशीट उसी में देखिए आपका आएगा न्यू डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए, जितने भी शीट्स आपने बनाए थे उसका लिस्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है। उससे पहले आपको लेआउट चेक करना होगा कि आपको लेआउट कैसा चाहिए, डैशबोर्ड वन का लेआउट कैसा चाहिए। यहाँ से आपको लेआउट चूज करना पड़ेगा, या डैशबोर्ड में भी आपको यहाँ भी आपको दिख जाएगा किसका लेआउट क्या होना चाहिए, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है फोन एंड लेआउट न्यू डैशबोर्ड, इसको चेक कर दीजिए। और एक मिनट में यहाँ से एक टिप, अब हॉरिजॉन्टल चाहिए मैंने ब्लैंक लेआउट चाहिए मुझे, फ्लोटिंग चाहिए तो फ्लोटिंग आएगा, टाइल चाहिए टाइल आएगा, मतलब कि इसमें आ जाएगा। शो डैशबोर्ड टाइटल, टाइटल यहाँ पे शो कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल में डैश सेल्स। सेल्स डैशबोर्ड 2021 तो टाइटल हमारा आ गया। उसके बाद यहाँ आपको आपका ऑब्जेक्ट कैसा है यहाँ पर दिख रहा है, टाइल है फ्लोटिंग है, और यहाँ से होता है हमारा साइज कि कैसा आपका साइज होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जनरली डैशबोर्ड या फुल स्क्रीन पे क्लिक किया, ये आपका फुल स्क्रीन वाला विंडो आ गया इस साइज का। डिवाइस प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो डिवाइस प्रीव्यू यहाँ पे आएगा डिफॉल्ट, डिफॉल्ट की जगह पे हमने यहाँ पे डेस्कटॉप दे दिया तो डेस्कटॉप का यहाँ पे लेआउट आ गया। यहाँ पे आपका 1980x1210 जो भी आप देना चाहते हैं वो उसका उस पैटर्न में आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, जो भी आपका लेआउट चाहिए प्रीव्यू के लिए। अब यहाँ पे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल चाहिए, मैंने यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक किया। अब मुझे एक एक करके इसको यहाँ पे डालना है। रिपोर्ट आ गए सीट टू, यहाँ पे ने लाइन चार्ट इसके बगल में हमने डाल दिया, ये जो है दिख रहा है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद हमने इसको मैप को यहाँ नीचे डाला और हमने वापस जो हमारा ये आ रहा है सीट फोर, सीट थ्री में सीट टू नहीं है ना, सीट टू को हमने यहाँ डाला। ये जो साइड में बहुत सारे आ रहा है क्वांटिटी वगैरह वो रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो एक एक करके सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से हटाइए। हटाते क्या होगा कि आपका ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका डैशबोर्ड प्रिपेयर हो गया। अब इस डैशबोर्ड को आपको सेव करके रख देना है। अब इस डैशबोर्ड को भेजेंगे कैसे, तो इसको आप एक तो सेव कर लीजिए, सेव या सेव एज कर लीजिए डैशबोर्ड फॉर्मेट में, या इसको आप जो है इसमें पावर पॉइंट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या इसको आप आपका जो है वर्कबुक का जो पैकेज है एक्सपोर्ट पैकेज वर्कबुक उसमें कर सकते हैं। उसके लिए टैबलू होना चाहिए, जिसको भेजेंगे उसके पास टैबलू होना चाहिए तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। उसके बाद इसको अगर आप, मैं कर देता हूँ शेयर, तो ये हमारे टैबलू के सर्वर पे शेयर हो जाएगा जहां से आप हर किसी को आप भेज सकते हैं टैबलू ऑनलाइन पे। लेकिन फिर उसके लिए आपको टैबलू ऑनलाइन में आपको साइन इन करना पड़ेगा, आप साइन इन करेंगे तभी हो पाएगा। जैसे मैं यहाँ पे iptdelhi123@gmail.com मेरा आईडी है, पासवर्ड भी हम यहाँ डाल देते हैं। जुम्मा भी कर देता हूँ या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मुझे चेक करना पड़ेगा इसको।
जैसे मैं साइन इन नहीं हो रहा है, एक प्रॉब्लम है लग रहा है, तो मैं एक बार साइन इन करूंगा, तो इसको वेब पे भेजेंगे, वेब से इसको कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसको जो है एक्सपोर्ट इन पावर पॉइंट में हम कर देते हैं। आपका पावर पॉइंट में एक्सपोर्ट हो गया और आप जो है डॉक्यूमेंट पे जाके बुक वन नाम का एक पावर पॉइंट यहाँ पे बन गया होगा। इसको डबल क्लिक कीजिए, ये रहा आपका रिपोर्ट बना हुआ, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं है, जैसा है उसी तरह का रिपोर्ट है। तो टैबलू के लिए आप किसी को टैबलू रिपोर्ट बनाते हैं तो हर किसी को टैबलू होना जरूरी है, अगर टैबलू नहीं है तो फिर मुश्किल है। इसी तरह से टैबलू की कंप्लीट क्लासेस के लिए मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं iptindia.com पे, या मुझे कॉल कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो क्लासेस चाहिए तो मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप में मैंने सारी डिटेल्स डाले हुए हैं। थैंक यू।